जय हिंद दोस्तों, चार बड़े अपडेट आए हैं। फौज ने क्यों बदले अपने नियम? अग्निवीर अब नहीं कर सकेंगे शादी। कैंटीन कोटा क्यों बदला गया? ओआरओपी पर लेटेस्ट अपडेट क्या है? कब तक मिलेगा ओआरओपी? नई जॉब की आंधी आई। बड़ी अपडेट सबसे पहले तो बता देते हैं, अग्निवीर योजना में नया अपडेट आया है। अग्निवीर सेवा कर रहे हैं, वो जब तक सेना में है यानी कि 4 साल तक, तब तक वो शादी नहीं कर सकते, चाहे महिला हो या पुरुष हो। सेवा की एक नई शर्त की पाइपलाइन शुरू हो गई, यानी कि एक शर्त शुरू हो गई है जिसमें उन्हें कार्यकाल के दौरान शादी की अनुमति नहीं होगी। यदि महिला अग्निवीर गर्भवती हो जाती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, यानी कि नौकरी से सीधा बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब ये जब आया है अपडेट तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं, बड़े अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं। एक लोग कह रहे हैं, अग्निवीर में ये बदलाव, अग्निवीर का विचार धन बचाना, यानी कि विवाहित आवास देना, भत्ते, ग्रेजुटी, कई तरह की बचत करने की सोच रही है सरकार, इसलिए ऐसा किया है। दूसरे हैं, एक कह रहे हैं इसकी बहुत जरूरत थी, बिना सोचे समझे शादी कर लेते हैं, फिर खटपट शुरू हो जाती है, आए दिन छुट्टी की मांग करने लगते हैं, यानी कि आए दिन छुट्टी मांगते रहते हैं फौज में। बाकी सर आपको पता है क्या गुजारे भत्ते के केस चल रहे हैं। एक ने कमेंट किया है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये जरूरी था, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी था। तो अग्निवीर अब शादी रिटायर होने के बाद ही करेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे तभी शादी कर सकते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट है, सीएसडी में डबल कोटा कर दिया गया है, यानी कि आपका ग्रोसरी भी डबल कर दिया गया है, और आप जो लिकर लेते थे वो भी 2 महीने का, यानी कि एडवांस भी ले सकते हैं 1 महीने का। ये लेटर जारी हो चुका है, इसका मैं लिंक डिस्कशन दे दूंगा, क्योंकि कई जगह ऐसा होगा कि यूनिट कैंटीन आपको नहीं देंगी, लिक्वर नहीं देंगी, कैंटीन में सामान नहीं देंगे, तो आप ये लेटर दिखा सकते हैं, इसका मैं लिंक डिस्कशन दे दूंगा। अब डबल यानी कि लिक्वर और ग्रोसरी दोनों एडवांस में ले सकते हैं, ये लेटर में दिया गया है। तीसरी बड़ी अपडेट ओआरओपी से है। ओआरओपी पर ऑल आर्मर्ड फोर्स से कर्नल हरिंदर पाल साहब ने रिक्वेस्ट की है कि सभी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं, क्योंकि अभी तक सरकार ने पेमेंट ऑफ फुल ओआरओपी नहीं दिया है। अभी तक ओआरओपी पर पीसीडीए ने भी कोई क्रेडिट नहीं किया है। तो इस पर कर्नल साहब ने कहा है कि इस पर आवाज उठाएं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, जिससे कि हो सकता है सरकार इस पर सुने। बता दें कि ओआरओपी 2022 तक आप बिल्कुल ना सोचें कि ओआरओपी का कोई डिसीजन लिया जाएगा। 15 दिसंबर कोर्ट ने उनको बढ़ा दिया है, लेकिन बता दें कि आपको 2023 में ही इसकी घोषणा की जा सकती है, 2022 में इसकी घोषणा करने ना के बराबर उम्मीद है। तीसरी बड़ी खबर है, अब मोदी सरकार बंपर वैकेंसियां निकाल रही है। बता दें, वैकेंसियां आपने देखा था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही की बात है, जिसमें कि अब जो वैकेंसी के लिए रोजगार मेला आयोजित किया गया था, जिसमें 75,000 वैकेंसियों के जॉब के लेटर दिए गए थे लोगों को। अब नई वैकेंसियां निकल चुकी हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल में 20,000 वैकेंसियां हैं, जिसका मैंने वीडियो बना दिया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की 24,000 वैकेंसियां निकल चुकी हैं, इसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। अग्निवीर के 45,000 पोस्टों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। एएमडी, डीआरडीओ, एफसीआई जैसी कई पोस्टों में वैकेंसियां निकली हुई हैं, जिनके मैंने वीडियो बना दिए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। अपकमिंग पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस में 90,000 पोस्ट खाली है, जिनकी वैकेंसियां निकलने वाली हैं। रेलवे में ग्रुप सी और डी की 1 लाख पोस्ट खाली है, जिसमें वैकेंसी जल्द ही निकलने वाली है। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीएपीएफ, अग्निवीर की भी नई वैकेंसियां निकलने वाली हैं, जिसका मैं डिटेल वीडियो बनाता रहूंगा जैसे ही वैकेंसी निकलेगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद।